1895 में अमेरिका ने एक अजीब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया। उनके मुताबिक टाइम और स्पेस उच्च चुंबक के एक क्षेत्र द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। उनका यह मानना था कि हाई वोल्टेज करंट और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को मिला देने पर एक ऐसा आयाम बन जाएगा जिसमें प्रवेश करके हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, जैसा कि प्रसिद्ध टीवी शो डोरेमोन में दिखाया जाता था। डोरेमोन और नोबिता एक दरवाजे से घूमकर दूसरे समय में पहुंच जाते थे, ठीक उसी तरह से। इस प्रयोग का नाम था फिलाडेल्फिया प्रयोग और यह एक सैन्य प्रयोग था जो कि यूएस नेवी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया था। फिलाडेल्फिया डार्क यार्ड पर यूएसएस एल्ड्रिज नामक एक लड़ाकू युद्धपोत था। इस जहाज को हिटलर की नाजी सेना नष्ट करना चाहती थी और नाजी सेना को इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके चकमा देने के लिए यूएस एयरफोर्स ने इस प्रयोग के लिए साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की सहायता ली। यह समय था 1930 का, जब एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर एएल बेलिक नाम के एक शख्स ने एक रहस्यमय खुलासा किया। उन्होंने ये कहा कि यूएस नेवी एक ऐसे प्रयोग पर काम कर रही है जिसमें वॉरशिप यानी लड़ाकू जहाज को कुछ समय के लिए इनविजिबल यानी गायब किया जा सकता है। बेलिक के मुताबिक इस एक्सपेरिमेंट को डायरेक्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद थे। उस समय जर्मनी के वॉरशिप में लगी रडार से बचने के लिए यूएस के साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें वो वॉरशिप के चारों तरफ मैग्नेटिक कॉइल को लगाकर रडार को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट को सफलता तब मिली जब मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने एक छोटी सी नाव पर इस टेक्नोलॉजी को आजमा कर देखा। जब इस एक्सपेरिमेंट को एक बड़े वॉरशिप पर आजमाने का टाइम आया तो निकोला टेस्ला किसी विचित्र कारणवश पीछे हट गए और उन्होंने इस कार्य को किसी और साइंटिस्ट को सौंप दिया। और इसके साथ एक वार्निंग भी थी कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को बहुत देर तक जारी रखा जाए तो इसके बहुत ही भयंकर परिणाम हो सकते हैं। आखिरकार वो रहस्यमय दिन आ गया जब ये एक्सपेरिमेंट टेस्ट किया गया। एक्सपेरिमेंट शुरू होने के कुछ ही समय बाद अचानक से हरे रंग की आंधी आई और उस वॉरशिप को कुछ ही पलों में ढक लिया और फिर शिप कुछ पल के लिए गायब भी हो गया। बेलिक के मुताबिक यूएसएस एल्ड्रिज का अचानक से गायब होना और फिर वापस आना निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर के कारण ही संभव हो पाया था। विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो यह तकनीक पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर देती है और फिर इस तरह से ऑपरेट करती है कि किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस पर उस चीज के बजाय हमारे गैलेक्सी के सेंटर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। सरल भाषा में समझा जाए तो सभी ट्रैकिंग डिवाइस के लिए उस समय यूएसएस एल्ड्रिज इनविजिबल यानी गायब हो चुका था। पर इसमें आश्चर्यचकित करने वाली बात तो तब सामने आई जब एएल बेरिक ने यह कहा कि वो जहाज कुछ घंटे के लिए गायब जरूर हुआ था पर उसी समय वो जहाज एक समय यात्रा करके वापस आया था। जहाज के वापस आते ही जहाज में बैठे कुछ सैनिक बुरी तरह से झुलस गए थे। कुछ सैनिकों की मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी। कुछ तो उस जहाज के डेक यानी सरफेस के साथ इस तरह से कंबाइंड हो चुके थे जैसे कि उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर शिप के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ कंबाइंड हो चुका था यानी मिक्स हो चुका था, यानी कि वो उस शिप के अंदर ही समा गए थे। एल बेरी का ये कहना था कि वो और उनका भाई शिप के क्रू मेंबर थे और उस प्रयोग के दौरान वो 1983 के किसी खुफिया जगह पर पहुंच गए थे। आइंस्टाइन थ्योरी के मुताबिक यह माना गया है कि यूनिवर्स में चार डायमेंशंस है लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की वजह से डायमेंशंस में घुमाव यानी बार बार उसी जगह पर आना कुछ ऐसी स्थिति बन गई थी जिसके चलते एक वर्म होल क्रिएट हो गया जिसे होकर एल बेलिक और उनके भाई किसी और वक्त में चले गए थे। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की स्टोरी की तरह लगता है पर यह खुलासे खुद एल बेलिक ने ही किए। अब सवाल यह उठता है क्या कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ था? अगर हुआ था तो क्या सच में उस शिप ने टाइम ट्रेवल की थी? इसका जवाब यूएस एयरफोर्स ही दे सकती है। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।